बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मार्विस किचन पर आपको वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। आज हम आपके साथ जी मैक्रोनी के पकोड़ों की रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत ही यूनिक और बड़ी यम्मी किस्म की रेसिपी है। तो चले रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी रेसिपी के लिए मैंने 1 कप मैक्रोनी ली है। इसको अच्छी तरह से बॉयल कर लिया है। मैक्रोनी को बॉयल करने से पहले थोड़ा सा इसमें मैंने नमक और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने ऑयल डाल लिया था, ताकि ये बिल्कुल सेपरेट सेपरेट रहे, आपस में जुड़े नहीं। अब जी 1 कप मैक्रोनी और 1/2 कप जो है इसमें मैंने बेसन डाला है पकोड़ों के लिए। बेसन डालने के बाद जी बिल्कुल छोटे साइज़ की प्याज है, इसको चॉप कर लिया था, वो इसमें ऐड कर देती हूँ। प्याज अगर आप नहीं पसंद करते हो तो इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद जी फ्रेश कटा हुआ सब्ज़ धनिया है मेरे पास, वो इसमें ऐड कर देते हैं। धनिया ऐड करने के बाद अब जी स्पाइसेस की बारी आ जाती है। तो स्पाइसेस भी जो है वो आपके सामने मैं आपको बताती हूँ कि हम कितने इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले जी 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है अकॉर्डिंग टू टेस्ट। 1 टेबल स्पून ही जी चिली फ्लेक्स इसमें मैं डाल रही हूँ, और 1 टेबल स्पून ही इसमें हम कोरिएंडर पाउडर जो है वो ऐड करेंगे। चलें जी स्पाइसेस जो हैं हम बस इतने ही डालेंगे। आप यहाँ पर चाहें तो 1 चुटकी भर अजवाइन भी डाल सकते हैं। अब जी स्पाइसेस डालकर पकोड़ों का जो मसाला है इसको एक दफ़ा पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट्स में अपने फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। चलिए जिस तरह से मिक्स कर लेने का थोड़ा थोड़ा पानी डालूँगी। आपने इसको बहुत ज़्यादा लिक्विड ही नहीं बनाना, मसाला जो है हमारे पकौड़ों का इसको ज़्यादा लिक्विड ही नहीं करना। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतना होना चाहिए कि जो है पकौड़े हम आराम से फ्राई कर सकें, लिक्विड ही ना हो ज़्यादा। चले जी देखिए जी मसाला बिल्कुल अच्छे वाला तैयार हो चुका है। कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं, इतनी होनी चाहिए। चलिए जी अब हम इसको करेंगे जी फ्राई। ऑयल जो है पैन में हमारा गर्म हो चुका है। ये देखें चम्मच से नहीं, हाथ की मदद से बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ में पकोड़े जो है इस तरह से मैं ऑयल में डालती जाऊंगी। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे साइज़, छोटा साइज़ इसलिए क्योंकि इसमें मैक्रोनी है। आप बड़े साइज़ के रखेंगे तो मैक्रोनी जो है वो अंदर से पकोड़े हमारे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे, टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं आएगा। छोटे छोटे साइज़ के पकोड़े होंगे तो ऊपर से अच्छे से फ्राई होंगे और अंदर से भी अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे। चलें जी सारे जो पकोड़े हैं मैंने डाल लिए हैं, अब हम इनको फ्राई करेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट में मीडियम फ्लेम पर। बहुत अच्छे से हमारे जो है मैक्रोनी पकोड़े फ्राई हो जाएंगे। साइड जो है वो पलट लेते हैं फॉक की मदद से। ये देखें कलर कितना अच्छा है, लाइट गोल्डन कलर देना है आपने। फ्लेम जो है तकरीबन मीडियम है मेरी, साइड हम पलट लेंगे एक, और दूसरी साइड भी जो है उसको भी बिल्कुल इसी तरह से अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, जब तक के जो हमारे पकोड़े हैं अच्छे वाले फ्राई हो जाएं। चलें जी पकोड़े हमारे बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म के फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं। इस तरह से निकालेंगे, ऑयल जो है वो अच्छी तरह से निकल जाएगा, इनका एब्जॉर्ब हो जाएगा, ज़्यादा ऑयल नहीं आएगा। ये रेसिपी जो है बड़ों को तो ज़रूर पसंद आएगी, बड़ों के साथ साथ बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि बच्चे मैक्रोनी जो है उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उनको ये पकौड़े बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। चलें जी बाकी जो पकौड़े हैं उनको भी सेम ऐसे ही मैं फ्राई कर लूँगी, इसी तरह छोटे छोटे साइज़ में। बाकी जो हमारे पास मसाला बचा है वो भी छोटे छोटे साइज़ में पकोड़े जो हैं हम अपने पैन में डालते जाएंगे और उनको भी बिल्कुल उसी तरह से फ्राई कर लेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की जो रेसिपी है यूनिक सी ज़रूर पसंद आएगी, और आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। चलें जी पकोड़े जो हैं मेरे सारे फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कि कलर भी कितना अच्छा आया है, लाइट गोल्डन कलर। केचप के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं,
इसी के साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं भी याद रखें। रेसिपी पसंद आई तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मार्वेस किचन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।